कॉलेज के हॉस्टल में परोसा जा रहा है अनहेल्दी और बासी भोजन की बढ़ती शिकायत एक बार फिर सामने आई है, जब बहादुरपुर के पांडव कॉलेज के 25 छात्रावास में रहने वाले छात्रों ने खाना परोसा और बीमार होने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया। मेडिकल परिषद से पता चला है कि रविवार को छात्रावास में भोजन लेने के बाद सभी फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गए। 11 छात्रों को उपचार के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 14 अन्य को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। डॉक्टर के अनुसार अब सभी खतरे से बाहर है। आज की और एक ताजा खबर, शिखर धवन की जगह लेने यह खिलाड़ी जाएगा इंग्लैंड। ओपनर बल्लेबाज शिखर धवन के चोटिल होने के बाद भारतीय टीम को लगा झटका, इसके बाद टीम में ओपनर और नंबर 4 पर कशमकश बढ़ गई है, क्योंकि लोकेश राहुल अगर टीम में ओपनर करते हैं तो नंबर 4 पर दिनेश कार्तिक, विजय शंकर और ऋषभ पंत खेल सकते हैं। हालांकि कल हरभजन सिंह ने कहा कि पंत ओपनिंग भी कर सकते हैं। इस सब के बीच में बता दी कि शिखर धवन के चोटिल होने के बाद भी दिल्ली के बल्लेबाज ऋषभ पंत उनकी जगह लेने इंग्लैंड जाएंगे। हालांकि धवन को टीम से बाहर नहीं किया गया है और वह इंग्लैंड में ही रहेंगे और बीसीसीआई की मेडिकल टीम इस दौरान उनकी देखरेख करेंगे। एमएनएस न्यूज लाइव की खबरें देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से एमएनएस हिंदी ऐप डाउनलोड करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।